हो गया सर। टेंथ सीबीएसई बोर्ड में सिविक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और सिविक्स में फोर्थ लेसन दूसरी इकाई का दूसरे यूनिट का फोर्थ लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं जाति धर्म और लैंगिक मसले। ये तीन सामाजिक अंतर या विभेद हैं जो जिनके बारे में आपको पढ़ना है और अगर इनकी अभिव्यक्ति राजनीति के साथ होती है तो क्या होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने लीग का सबसे पहले लैंगिक मसले के आधार पर हम लोगों ने यह देखा कि समाज में स्त्री और पुरुष के बीच विभेद बताया जाता है और यह विभेद तभी दूर हो सकता है जब इसको राजनीतिक रूप दिया जाए, लोकसभा विधानसभा तथा अन्य निर्वाचित क्षेत्रों में महिलाओं का स्थान आरक्षित होना चाहिए और कम से कम एक तिहाई जैसे तीसरे स्तर के सरकार में की गई है स्वशासित शासन ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर निगम में बाकी में भी उनका स्थान निश्चित किया जाए। तो एक तरह से अगर लैंगिक अंतर को संवैधानिक तौर पर राजनीतिक स्तर पर भेजा जाए, संवैधानिक तौर पर तो हमारा संविधान किसी भी तरह से भेदभाव करने से मना करता है, तो अगर राजनीति में स्त्रियों का स्थान सुनिश्चित हो जाए तो इससे समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा, यानी कि इसका राजनीतिक रूप लेना एक स्वीकारात्मक रूप है, एक अच्छा है, देश विकास करेगा। दूसरा मसला हम लोगों ने धर्म को देखा था, यह भी एक बहुत बड़ा मसला है, समस्या है समाज का, इसके आधार पर भी समाज कई भागों में बटे रहते हैं। आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां अनेक धर्मावलंबी लोग नहीं रहते। अगर उत्तरी आयरलैंड का भी उदाहरण लें तो वहां सभी लोग एक ही धर्म के धर्मावलंबी हैं, ईसाई धर्म के, परंतु उनके पूजा पद्धति प्रार्थना की विधि अलग अलग होने के कारण वे भी एक धर्म के होते हुए भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भाग में बटे हैं और उनमें आज भी तकरार होते रहता है। तो धार्मिक मसले अगर राजनीतिक रूप लेते हैं तो इससे सांप्रदायिकता फैलने की ज्यादा संभावना रहती है, समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है, देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जाति के आधार पर राजनीति सही बात नहीं है, धर्म के आधार पर राजनीति सही नहीं है, इसलिए धार्मिकता को अगर हम राजनीति से जोड़ेंगे तो इससे हमारे देश को हमारे समाज को नुकसान होगा और अगर किसी धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया जाए तो यह रूप और ज्यादा भयंकर हो जाता है और सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है और जब सांप्रदायिकता का रूप लेता है तो समाज में दंगे फसाद फैलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो इससे देश को नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है। तो लैंगिक मसले से राजनीतिक रूप लेने से फायदा होता है और धार्मिक मसले जब राजनीतिक रूप लेते हैं तो उसे नुकसान होता है। आज हम लोगों को तीसरा जो समस्या है समाज की, तीसरे विभिन्नता जो है तो उसको हम जाति कहते हैं, जाति के आधार पर जो हमको देखना है वो जाति और राजनीति हम लोगों को आज पढ़ना है।
जाति और राजनीति आज की दिनों को जाति जाति और राजनीति इसकी चर्चा हमको करनी है। ये हम लोगों को तीन समस्या देखना था, जाति धर्म और लैंगिक। इसमें लैंगिक और धार्मिक दो मसले हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोगों को जाति और राजनीति देखना है। तो हम लोगों ने यह देखा निचोड़ के रूप में कि अगर लैंगिक मसले को हम राजनीतिक रूप देते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है, समाज का विकास होता है, देश का विकास होता है। लेकिन अगर धार्मिक मसले को हम राजनीतिक रूप देते हैं तो उससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, समाज अच्छे स्थिति में नहीं पहुंचता, देश का विकास नहीं होता, बल्कि उल्टे इससे नुकसान होता है। इसलिए धर्म को राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए और संविधान में इसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था भी की गई है। संविधान हमारा जो है धर्म निरपेक्ष संविधान। तो अब हमको तीसरी समस्या देखना है, जाति और राजनीति। तो सबसे पहले हम देखें कि जाति क्या है। तो जिस तरह से लैंगिक और धार्मिक मसले विश्व स्तर पर रहते हैं, ये दोनों मसले हर देश में पाए जाते हैं कम या अधिक मात्रा में, परंतु जाति आधारित समाज या जाति के आधार पर विभिन्नता केवल भारत में पाया जाता है। यह एक बहुत विडंबना की बात है कि जाति आधारित जो अंतर है वो केवल भारतीय समाज में मिलता है, विश्व के अन्य देशों में कहीं भी जाति के आधार पर समाज में विभिन्नता नहीं मिलती। तो जाति के आधार पर हमारे यहाँ इसलिए मिलता है क्योंकि जातिगत असमानताएं हमारे समाज में प्रकट होती हैं निम्न प्रकार। जाति असमानताएं ध्यान से समझेंगे आप कि जाति पर आधारित जो सामाजिक अंतर है वो केवल भारत में मिलता है, विश्व के अन्य देशों में जाति आधारित सामाजिक असमानताएं या भिन्नता नहीं दिखाई देती। तो आखिर भारत में क्या है कि जातिगत असमानताएं? तो प्राचीन काल से ही हमारे यहां जो श्रम का विभाजन हुआ, काम का बंटवारा हुआ परिवार में या फिर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, जो लोगों के बीच धंधे अपनाए गए अपने अपने गुण के आधार पर, शुरू शुरू में उन लोगों ने अपनाया धंधा अपना, जब पृथ्वी पर मानव का अवतरण हुआ तो अपनी क्षमता के अनुसार जब विकास हुआ, ग्रामीण बस्तियां बसी, कृषि करते लोग सीखे, तो सामाजिक स्तर पर जब जीवन जीने लगे तो समाज में अनेक तरह की आवश्यकताएं महसूस की गई। तो अपनी अपनी क्षमता के आधार पर लोग काम करना शुरू किए, कोई कपड़ा बीनने लगा, कोई लोहार का काम करने लगा, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई सोना चांदी जेवर बनाने लगा, अलग अलग तरह की कोई कृषि करने लगा। इस तरह से अलग अलग तरह के धंधे या श्रम को लोगों ने अपनाया, अपनी योग्यता अपनी समझदारी के अनुसार इसको अपनाया, उसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं। लेकिन धीरे धीरे यह जो श्रम विभाजन था हमारे यहां वो जाति का रूप लेता चला गया और वंशानुगत जाति बंधे चले गए। वंश क्या था? अगर आपके माता पिता, आपके पूर्वज लोहार थे, लोहे का काम करते थे, बढ़ई थे, बढ़े का काम, लकड़ी का काम करते थे, तो उसी के आधार पर जो आने वाली पीढ़ियां थी उनकी जाति बनती चली गई। एक समान काम करने वाले, एक तरह के
समाज में रहने वाले लोगों को एक अलग तरह का पहचान मिल गया, जिसको हम जाति कहने लगे और यह जाति वंशानुगत प्राप्त होने लगा। और हमारे समाज यानी भारत में जो वंशानुगत जाति बनी वो श्रम के आधार पर बनी, और इस श्रम के आधार पर जो समाज बना, एक तरह के काम करने वालों को एक तरह का अलग समुदाय में रखा गया, सामाजिक समुदाय में रखा गया, और इनके बीच कुछ ऐसे रिश्ते बनते चले गए कि बेटी रोटी का संबंध केवल एक समुदाय वालों में ही होने लगा। आज भी यह प्रथा हमारे यहाँ चला आ रहा है, और अधिकतर यही देखा जा रहा है कि जो एक तरह के काम करने वाले हैं, यानी कि एक सामाजिक समुदाय के हैं, एक जाति के हैं, उन्हीं के बीच उनका बेटी रोटी का संबंध होता है। बेटी रोटी का संबंध का मतलब लड़के लड़कियों की शादी अपने ही समाज के वर्ग के लोगों के बीच होती है, उनके साथ खान पान भी एक ही तरह के लोगों के बीच होता है। दूसरे लोगों से उनकी बेटा बेटी की शादी नहीं हो सकती, न तो उनके साथ बैठकर एक पात भी खा सकते हैं। यह जातिगत व्यवस्था श्रम के आधार पर चला है हमारे यहाँ। यह असमानताएं आज भी समाज में दिखाई देती हैं। दूसरा समानता के आधार पर देखने का है वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था तो आप समझ गए, श्रम के आधार पर चला। श्रम का बंटवारा जब हुआ शुरू में, उस समय कोई जाति नहीं थी। धीरे धीरे लोग जिस धंधे को पकड़ लिए उसके अनुसार उनके वंश को भी उसी धंधे का उसी जाति का माना जाने लगा, और इस तरह से श्रम विभाजन से जातिगत असमानताएं उत्पन्न हुई, और समाज में एक जैसा काम करने वालों को एक सामाजिक समुदाय का माना जाने लगा, और उनके बीच बेटी रोटी का संबंध स्थापित हुआ। दूसरा असमानता है जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन काल से चला रहा है। वर्ण व्यवस्था आप जानते होंगे, सबसे पहले ऊंचे से नीचे वर्ग की ओर यह व्यवस्था है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार भागों में हमारा समाज प्राचीन काल से बटा था। इसका वर्णन आपको वेदों में भी दिखाई देता है और जगह भी मिलते हैं प्रमाण। तो जो ये तीन चार जो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में है, इसमें जो निम्न जाति के लोग होते थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य जातियां, पिछड़ी जातियां, उनको समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। न तो वो खेत रख सकते थे, जमीन रख सकते थे, न वो धनी होते थे, न उनको शिक्षा पर अधिकार था, उन्हें किसी तरह का अधिकार नहीं था, उनको अछूत माना जाता था। और जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, इनको पूज्य और आदरणीय माना जाता था। वैश्य मध्यम वर्ग में था और आज भी है मध्यम वर्ग में। तो इस तरह से करने का मतलब ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी समाज हमारा बटा हुआ था, जातिगत असमानताएं वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी थी। और इसी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को दूर करने के लिए महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों ने, आदि समाज सुधारकों ने प्रयास किया, आंदोलन किए कि इन जातिगत और वर्ण व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, समानता जो है वह दूर होना चाहिए, और यह वर्ण व्यवस्था जातिगत के आधार पर हमारा समाज नहीं बढ़ना चाहिए। हम सभी मानव समुदाय के हैं, हम सभी हुमन हैं, मानवता की जाति होनी चाहिए, न कि श्रम विभाजन और वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति होना चाहिए। इनके प्रयास के फलस्वरूप, इन महापुरुषों और व्यक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप, प्रयासों के फलस्वरूप जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था बहुत कुछ कम हुआ है हमारे यहाँ।
नए समाज का निर्माण हुआ है। अब जो है सो शहरों आदि में लोग यह नहीं पूछते कि हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो बस या ट्रेन में सफर कर रहा है या होटल में भोजन कर रहा है तो वह किस जाति या वर्ण का है, ये कोई पूछता नहीं। आज बदलाव आया है और बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब तो दूसरे जाति और वर्ण व्यवस्था में भी शादी या बेटी रोटी के संबंध हो रहे हैं। शिक्षा का विकास हुआ है, साक्षरता दर बढ़ा है और ये क्या कहते हैं आपका जो राज प्रथा था पहले, जमींदारी प्रथा था, ये सब समाप्त हुआ। संविधान में इसके प्रावधान किए गए, व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए गए, जिसके कारण आज जातिगत और वर्ण व्यवस्था लगभग समाप्त होने के कगार पर है। इसकी कल्पना और सुधार की अवस्था को हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस भारत में 100 वर्ष पहले रहता होगा, इस समाज में जिसने जाति और वर्ण व्यवस्था की कटुता का अनुभव किया होगा, आज अगर अचानक वो भारत में आ जाए तो उसे यहाँ के परिवर्तन साफ नजर आएंगे और वो आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाएगा कि आज कैसे जाति और वर्ण व्यवस्था समाप्त हो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यह जाति और वर्ण व्यवस्था बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है भारत से, सुधार हुए हैं, सुधार की ओर हमारा समाज बढ़ रहा है, लेकिन बिल्कुल समाप्त हो गया ऐसा हम आज भी नहीं कर सकते। आज भी कई क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ छुआछूत का व्यवहार देखने को मिल जाता है, उनकी शिक्षा में और धन संबंधी मामले में आज भी पिछड़ी अवस्था है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के सभी लोगों को समाज में समानता का अधिकार जातिगत और वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं मिल पाया है। आज भी हमारे यहाँ जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में अंतर मिलते हैं, असमानताएं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है पूर्व के वर्षों के तुलना में। आज संविधान भी विभिन्न तरह के कानून बनाता है, संविधान में उल्लेखित है कि जाति और वर्ण व्यवस्था के आधार पर अंतर करना मनाही किया जाता है। संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के साथ छूत का व्यवहार करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं संविधान में लिखी गई हैं, कई सामाजिक आंदोलन और सुधार हुए हैं और महापुरुषों के प्रयास से, जिसके कारण इनमें थोड़ा सा कमी आई है, समानता बढ़ा है लोगों में, जाति और वर्ण व्यवस्था कुछ समाप्त हुई है, लेकिन बिल्कुल समाप्त हो गई है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो जातिगत असमानताएं भारत में है दो तरह से, वर्ण व्यवस्था के आधार पर और श्रम विभाजन के आधार पर, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास महापुरुषों ने और संविधान में किया गया है। आज बदलाव आए हैं, लेकिन आज भी हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि जातिगत समानताएं असमानताएं समाप्त। तो जातिगत असमानता हम लोगों ने पढ़ा, अब देखना है राजनीति में जाति, आपको देखना है राजनीति में जाति। अब हमको एक पक्ष देखना है कि अगर हम जाति के आधार पर राजनीति करने लगे और राजनीति जाति में घुस जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि राजनीति में जाति आती है तो राजनीति में यह अनेक रूप धारण कर सकती है।
अगर हम जाति राजनीति में जाति को रखते हैं, यानी कि जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, तो राजनीति में यह अनेक रूप लेती है। जाति जो है राजनीति के साथ जब प्रभावित होगी तो अनेक रूप लेगी। पहला रूप है इसका कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करती हैं, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है, चुनाव लड़ने में इसका प्रयोग होता है। चुनाव में और सरकार के गठन में ध्यान से देखिए, राजनीति में अगर जाति का प्रवेश होता है तो राजनीति जाति व्यवस्था का फायदा कैसे उठाती है? राजनीतिक पार्टियां जब किसी उम्मीदवार को चुनाव के लिए किसी क्षेत्र में खड़ा करती है तो वहां जाति की व्यवस्था का ध्यान रखती है कि किस वहां कितने प्रतिशत में कौन सी जाति है, और बहुमत संख्या वाली जो जाति होती है उसके उम्मीदवार को खड़ा करने की कोशिश की जाती है। और जब वो पार्टी सत्ता में आती है, जीत जाती है चुनाव, तो सरकार के गठन में भी वह यह ध्यान रखती है कि हर जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर जाति से एक एक उम्मीदवार को लिया जा सके, कम से कम एक एक उम्मीदवार होना चाहिए, बाकी अधिक हो तो अधिक हो। अगर किसी जनजाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सरकार में चुन कर नहीं आते हैं तो उसका चयन किया जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा। तो राजनीति में जब जाति आती है तो उसका उपयोग चुनाव में और सरकार के गठन में होता है। दूसरा, राजनीति में जाति कैसे प्रभावित करती है देखिए। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पार्टी या उम्मीदवार, वार चुनाव में जातिगत भावना को उकसाती, बढ़ावा देती। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार हो, जब वह चुनाव लड़ता है तो उस क्षेत्र के लोगों के जातिगत भावना का फायदा उठाता है, उनको जातिगत के आधार पर उकसाता है, उनको जाति के आधार पर समस्याओं का हल करने का वचन देता है, उन्हें विश्वास में लेता है और चुनाव जीतने की कोशिश करता है। या जब जाति चुनाव में आती है तो ये दूसरा फायदा राजनीति में जाति के। तीसरा फायदा होता है राजनीति में राजनीतिक समर्थन पाना तथा लोगों को बोलबंद करना। हमारे संविधान में वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार है और सभी को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो या फिर वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को मत देने का अधिकार है और सभी को एक ही मत देने का अधिकार है और सभी के मतों का वजन या मान्यता बराबर होता है। इसलिए राजनीतिक समर्थन
पाने के लिए, लोगों को गोलबंद करने के लिए राजनीतिक पार्टी वाले और उम्मीदवार लोग उनके साथ तालमेल बैठाते हैं, उनको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि इस जाति के लोगों की संख्या अधिक है, इनको हम एक साथ लाएंगे, इनका समर्थन हासिल करेंगे तो हमारी पार्टी को जीत हासिल होगी। तो राजनीति में जब जाति आती है तो किस तरह से राजनीति को फायदा पहुंचाती है, ये चुनाव में और सरकार के गठन में फायदा पहुंचाते हैं। दूसरा, राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार चुनाव जातिगत भावना को उकसाकर जीतने की कोशिश करती है। और तीसरा, राजनीतिक समर्थन पाने के लिए लोगों को गोलबंद करती है राजनीतिक पार्टी, क्योंकि सभी के मतों का जो मूल्य होता है, चाहे वो अगड़ी जाति को हो या पिछड़ी जाति का हो, गरीबों का हो या अमीरों का हो, सबका मान बराबर होता है। अतः लोग सभी के मत हासिल करने की कोशिश करते हैं, सभी जातियों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जाति, अगर राजनीति में जाति आती है तो राजनीति वाले इस तरह के फायदा उठाना चाहते हैं और फायदा मिलता है उनको। लेकिन इसमें थोड़ा सा नोट मिल दिया है, उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके देखिए। राजनीति में जाति पर जोर देने का कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि जब राजनीति में जाति पर जोर देने लगते हैं, इन तीन पॉइंट के आधार पर आपको दिखाई दिया कि राजनीति में जब जाति घुसती है तो राजनीति में लोग जाति पर जोर देने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राजनीति में जाति पर लोग जोर देने लगेंगे तो इससे जो है सो समाज में विकृतियां आएंगी या सांप्रदायिक रूप लेगा, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा मानना सही नहीं है, इसके पक्ष में कारण दिया गया है। देखिए समय क्या कह रहे हैं, हो गया है, छोड़ दें, एक मिनट पढ़ता हूँ, पढ़ेंगे चार मिनट पढ़ना पढ़ा दीजिए। देखिए पहला पॉइंट दे रहा है कि अगर जाति को राजनीति में स्थान दिया जाए तो उससे नुकसान जो लोग मानते हैं, उनका कहना है कि जाति को अगर राजनीतिक रूप दिया जाएगा तो उससे नुकसान नहीं होगा। इसके पॉइंट दिए जा रहे हैं, पहला इसके पक्ष में कि संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी भी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं, संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी भी एक जाति की बहुमत नहीं होती। देखिए संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी भी एक जाति की जब बहुमत नहीं होती है तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए या उम्मीदवार के लिए किसी एक जाति के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं होता। अतः उसे एक से अधिक जातियों का सहयोग चाहिए। इसके लिए वह कई जातियों को लुभाता है, आकर्षित करता है, उनकी मांगों को रखता है। तो इस तरह से जब जाति को राजनीतिक रूप देंगे तो उससे नुकसान नहीं होता है, बल्कि कई जातियों को इससे फायदा होता है। दूसरा पॉइंट है कि कैसे राजनीति में जाति आने से नुकसान नहीं होगा, कि कोई भी पार्टी एक जाति के लोगों के सभी मतों को, सभी मत प्राप्त नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को अगर ध्यान से आप देखते हैं तो अगर यह पता चलेगा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी है या उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ता है और वह सोचता है कि इस क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत है,
हम केवल उसी जाति का सहयोग लेंगे, उनकी जाति के लोगों की वोटों से हम जीत जाएंगे, तो यह बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक जाति के लोग एक ही पार्टी को सारे वोट नहीं देते। सारे लोग, वे लोग भी कई राजनीतिक पार्टियों में विश्वास रखते हैं, और लोग जाति के उम्मीदवार होते हुए भी, जाति का पार्टी होते हुए भी वे दूसरे पार्टी के को वोट देने लगते हैं, जिससे कुछ लोग तो जाति के आधार पर अपने पार्टी या उम्मीदवार को वोट देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग दूसरे को भी दे देते हैं। तो किसी एक पार्टी के सपोर्ट से कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकता है। अतः राजनीतिक जाति जब राजनीतिक रूप लेती है तो उससे नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है। तीसरा है, तीसरे आधार पर हम देखते हैं कि जब जाति राजनीति का रूप लेता है तो यह नुकसान नहीं देता। किसी चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति की संख्या अधिक रहने पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना उम्मीदवार उसी जाति का खड़ा करना चाहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो जिस जाति की संख्या उस चुनावी क्षेत्र में अधिक है, अगर हर राजनीतिक पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो उनके वोट बढ़ते चले जाते हैं, और कम संख्या वाली जो जातियां हैं उनकी मत बढ़ जाते हैं, और वह कुछ ऐसी भी जातियां बच जाती हैं जिनके की उम्मीदवार उस जाति के नहीं होते। तो इससे वहां जो राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार हैं वे अन्य जाति, अपनी जाति के साथ साथ अन्य जातियों को भी लेकर चलना चाहते हैं, और उनको ये चाहते हैं कि हम उनका सहयोग हासिल करें, इसके लिए उनको मिलाने की कोशिश करते हैं प्रलोभन। और यह भी देखा गया है, चौथा में देखें तो, कि राजनीतिक पार्टियों या उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ता है। मुंह देखना पड़ता है अगर जाति के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक पार्टियां या उम्मीदवार, तो फिर वे अपने क्षेत्र में हार क्यों जाते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार जो जाति के आधार पर केवल चुनाव लड़ते हैं तो वे जाति के आधार पर सारे एक जाति के लोग उनको वोट नहीं देते, वे दूसरे जाति या अच्छे लोगों को भी वोट देना शुरू करते हैं, जिसके कारण राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ता है। अतः इनको यह डर लगा रहता है कि कभी न कभी हमें भी हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमको सबसे अच्छा है कि हर जाति के साथ हमारा तालमेल होना चाहिए, और इस तरह से दूसरे जातियों का भी ये सम्मान करते हैं, भले ही वो अपनी जाति को ज्यादा आदर करते हों,
लेकिन दूसरे जाति को अपमान करेंगे ऐसी हिम्मत उनमें नहीं आ पाती, क्योंकि वो उनको भी डर लगा रहता है कि हमें हार का मुंह खाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर हम जाति को राजनीति में घुसाते हैं, यानी राजनीति में जाति आती है, तो राजनीतिक पार्टियां ये फायदा उठाना चाहती हैं। लेकिन इसी को देखते हुए जब लोग यह सोचते हैं कि राजनीति में जाति नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान होगा, इससे राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार फायदा उठाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि इसके लिए चार पॉइंट दिए गए हैं कि जब राजनीति में जाति आती है तो उससे नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि राजनीति में अगर जाति आएगी तो राजनीति को फायदा होगा, यानी जाति और राजनीति, जातिगत असमानताएं हम लोगों ने पहले देखा, फिर राजनीति में जाति देखा, और राजनीति में जब जाति आती है तो कुछ लोगों को यह संभावना बनी रहती है कि राजनीति में जब जाति आएगी तो इससे समाज को नुकसान होगा। तो इसके लिए भी हमने देखा ये चार पॉइंट कि जाति को राजनीति में आने में कोई नुकसान नहीं होता। यानी कहने का मतलब हमने शुरू में ही बताया था कि लैंगिक मसले से लाभ होता है समाज को, धार्मिक मसले से, राजनीतिक रूप लेने से समाज को नुकसान होता है, और जाति मसले जब राजनीतिक रूप लेते हैं तो लाभ और हानि दोनों होता है। इसमें केवल लाभ होगा, इसमें केवल हानि होगा, और इसको जब राजनीतिक रूप देंगे तो लाभ और हानि दोनों होगा। तो आज हम लोग जाति और राजनीति में देखा है कि जाति से राजनीति को फायदा होता है, इससे नुकसान नहीं होता। अब अगले दिन देखेंगे कि जब जाति राजनीतिक रूप लेती है तो उससे क्या नुकसान होता है, जाति के अंदर राजनीति, कल देखेंगे कि जाति के अंदर जब राजनीति घुसेगी तो क्या नुकसान होगा समाज को। जाति से दोनों चीज होता है, लाभ और हानि। लैंगिकता से केवल लाभ होता है, धर्म से केवल हानि होती है, और जाति से लाभ और हानि दोनों होता है। तो आज हम लोगों ने जाति से राजनीतिक लाभ देखा, कल हम लोग देखेंगे कि जाति में जब राजनीति घुसेगी तो किस तरह से नुकसान होगा समाज को। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल आगे हम लोग पढ़ेंगे।